तो भाई हमने पहन लिए थे रेनकोट और बारिश हो गई बंद। अब मैं ना उतार रहा, अब मैं जब चलूँगा जब बारिश शुरू हो जाएगी। मैं तो गिर गया। तो इस ब्रिज की खास बात बताऊँ, यहाँ कोई भी लॉक का नहीं, ये यहाँ पे इस तरह से जोड़ा गया है। ये बेल है, ये लॉक लगा दिया, गैस है, ये लॉक लगा दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ के खत्म। देखो इससे आगे तुम्हारी योजना भाई, मेरी योजना यहीं तक थी। गुड मॉर्निंग भाई, कुछ खाने का ना बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ, बट अपन खा गए क्योंकि सुबह सुबह खाए जाता हूँ। भैया जी भी लग गए, और ये भाई के कुछ क्या थी बताया था तुमने भाई? एमारत सी मिलाप चीज से बना भाई, क्या बात है। वो भाई की आगे चाय, गुड। मौज करती मौज। तो चलो गाइस, चलने का टाइम हो गया है जैम्बे वैली होम से तवांग। तो भाई तवांग में पहली राइड है अपनी, हाथ में दर्द हो रहा है, सुबह फिर झटका लग गया। वो एक्चुअली मैंने कॉल स्टार्ट कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन। क्या बात है, क्या बात है, आज तो घोड़ा झटके मार रहा है भी। आज मेरे साइड में बैग्स नहीं है, तो मैं रुफू रुफू करा लूँगा कभी गाड़ी। लेट्स गो। तो हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, हमें जाना था वी किट्टी। ये देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, रोड फ्रॉम शेरनाब टू चकसोम। पर पढ़ लो यार, क्या बात है, चलते हैं। एक्चुअली वर्ड्स है ना जो यार नहीं हो पाते सेट फर्स्ट टाइम में आराम से, और बाइक पे तो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लेना ठीक है ना। बट सच में यार, इंडिया में इस साइड आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आना शुरू करो, अच्छी है, फैमिलीज हैं जो ना वेकेशन बनाना है, इधर आओ। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के पी भाई, ये ऐसा स्कूल है देखो कितना पुराना बना हुआ है। नज़ारे देखो, नज़ारे कब, काफ़ी देर से ऐसे ही ट्रैक पे चल रहे हैं, रोड्स ऐसे ही हैं, हम पहाड़ से नीचे उतरते जा रहे हैं। ओ भाई साहब, वे टू खुशहंग गोनप्पा एंड वे टू चकसम ब्रिज। तो हमें जाना इधर चकसम ब्रिज, लेट्स गो। ये ब्रिज बहुत फेमस है, इसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ब्रिज नहीं, बस आपको दिखाऊंगा सरप्राइज, इस पर कुछ नहीं जाता, ये छोटा सा ब्रिज है, मतलब लंबा बहुत है, और ये बिना किसी ज्वाइंट के बना हुआ है। पहले बता दूं, ये ब्रिज में ना कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कोई लॉक नहीं है, मतलब देखना, हम भी आपको दिखाते हैं, जाके पगला जाओगे देख के। रास्ते देख रहे हो, फुल ऑन जंगल से जा रहे, फुल ऑन जंगल भाई। यहाँ की हवा, शांति आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब भी आप आओगे ना, मतलब यहाँ पे आके रास्ते में कहीं भी रुक के हम कैंपिंग कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। चकसम ब्रिज अभी है भाई दूर, वो एक्चुअली गंदा था, मुझे भी नहीं दिखा कितना है, बट सच में क्या बात, फुल जंगल है, फुल जंगल। हम देखो नीचे आए ना, कितना खूबसूरत विलेज बना हुआ, हमें यहाँ से नीचे जाना है शायद, बट देखो कितना खूबसूरत विलेज है। देखो खेती कर रहे हैं वहाँ पे, धान समथिंग लगा रहे हैं, गेहूँ चावल चावल लगा रहे हैं, चावल, क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों भाई मुझे, और वहाँ पे ना दो मोड़ थे लेफ्ट राइट, और मैंने लेफ्ट ही ले लिया है, यही हो सकता है भाई,
क्या पता लेफ्ट हमेशा राइट हो, राइट होके भी रॉन्ग हो जाता कई बार इंसान, तो लेफ्ट होके राइट कर लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा मैं हमेशा डिसीजन ठीक लेता हूँ। बाइक इधर गए, इधर गए अभी, तो यही है भाई कह रहा है इधर ही गए हैं, मान लेते हैं भाई की बात। ये भाई कल मिले थे ना जो हमें वहाँ पे तमांग गेट पे, तो आज भी यहाँ ब्रिज देख के आ चुके हैं। बढ़िया है जगह, मस्त है, मस्त है। क्या बात। ओके तो ऐसा कुछ ब्रिज है, बड़ा भी नहीं दिखा रहे, हम जा रहे हैं आगे, उनको लाइव दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ के खत्म। इससे आगे तुम्हारी योजना भाई, मेरी योजना यहीं तक थी। पफ आ रहा है, ओके वो क्लियर है भाई। तो हेलमेट और बैग लेते हैं और नीचे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा ब्रो। लेट्स गो। लौंडे का पीछे पीछे आ रहा बच्चा। एक्चुअली हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं, हम लेके ही नहीं आए, हम भर भर करते आए, तो यहाँ से कुछ ऐसा ट्रैक है जो नीचे जाए हम सक्षम ब्रिज के लिए। बोला भाई बोला, अभी नहीं दिखा रहा, मैं नीचे जाके दिखाऊंगा। चलो लेट्स गो, टिकी। वहां तक का ट्रैक है भाई। अभी जा तो रहे हो, उतरोगे कैसे, चढ़ोगे कैसे, देखेंगे। ओ भाई यस, हाँ मैं भैया को यही कह रहा था कि उतर तो रहे, चढ़ोगे कैसे। देखो जालियां लगाई गई हैं ताकि ऊपर से कुछ गिरे, और ये है हाथ से बनाई हैं सारी, सब कुछ हाथ से। तो चकसम ब्रिज के जितने पास जा रहे हैं तो पानी की आवाज बहुत मजेदार आ रही है, आप लोगों को सुन रही होगी। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे भाई? भाई आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? तीसरी बार। तो परवल भाई तीसरी बार आ चुके हैं, अपना पहली बार है भाई, पहली बार। सच में दूर से अच्छा लग रहा है। ये तवांग रिवर है, तवांग ये वाला जो रिवर है तवांग का रिवर है, और यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है ना, क्योंकि विंटर में यहाँ बहुत स्नोफॉल होता है। और वो देखो भाई नज़ारे कुछ खूबसूरत खूबसूरत। तो चलो आपको दिखाते हैं चकसम ब्रिज पास जाके। तो इस ब्रिज की एक खास बात बताऊँ, यहाँ कोई भी लॉक्स का नहीं, ये यहाँ पे इस तरह से जोड़ा गया है, ये बेल है, ये लॉक लगा दिया, दैट्स इट, ये लॉक लगा दिया कि ये कुछ है, और यहाँ से अपनी कुछ एंट्री है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, इसके साथ में ही एक ब्रिज और बनाया गया है जो बाद में बना होगा क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि इसे कम यूज़ करते हैं, शायद कमज़ोर होगा, बट इसे यूज़ करते हैं लोग इधर से उधर जाने के लिए। ये भी खूबसूरत है। तो चलो भैया ड्रोन शॉट लेते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से इसके नज़ारे। भाई पूरा लकड़ियों से बना हुआ है ऊपर से भी, और ये देखो ये बेल है, इससे इसको लूज टाइट किया गया है, और ये ऐसा कुछ है, ये जो है ना बैम्बूज होते हैं जो बांस होता है उससे छाल से, और नीचे इसके सिर्फ एक तारों का गुच्छा है, कुछ तारों से बनाया गया है नीचे कुछ, और ऊपर ये बैम्बू की छाल, और ये बस इतना सा चौड़ा है कि देखो पैर रखे हुए ना इतना ही है, बट खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। तो गाइस चलो आपको दिखाते कुछ ड्रोन शॉट, मजा आएगा, मजा मजे। तो मेरे सामने चकसम ब्रिज, और भाई हम पहुंच गए थे, आपने देखा होगा वो कैसे कैसे ज्वाइंट से इसको बनाया गया है, और क्या क्या इसमें सिर्फ बैम्बूज का एक जो भी छाल होती है वो निकाल के नीचे एक जाली से कवर किया गया, और ये बहुत सालों पुराना है। और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, अभी कुछ लोग आए हैं यहीं के आसपास के, तो दिखने में कुछ ऐसा है भाई, हाथ में दिक्कत हो रही है भाई बाइक चलाने में सच में बहुत ज़्यादा। और ये कुछ वैली है भाई गजब, और बारिश शुरू हो गई है, मुझे भाग के अंदर जाना पड़ेगा। चलो भागो, बारिश आ गई, बारिश, हेलीकॉप्टर उतारो, हेलीकॉप्टर, बारिश आ गई, बारिश, और बारिश हो रही है, हल्की हल्की शुरू हो गई है, बंद मतलब तेज हो के बंद हो के स्लो हो गई है जो भी था। और मैं इसकी जो खासियत है ना इस ब्रिज की, इसमें कहीं
ऐसे लॉक्स नहीं है जो बोल्ट वगैरह लगाए हैं या ऐसे कुछ नहीं, ये चेन लॉक सिस्टम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सी वो ये देखो और नहीं, यहाँ लॉक किया गया है। मैं एक्चुअली दूसरे किनारे पे आ गया हूँ, उधर से हमें आना था, मतलब आए थे, तो वहाँ भैया है, पावल भाई है, और वहाँ हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं, और वहाँ से मैं कुछ यहाँ आया हूँ। तो चलो आपको दिखाते कुछ ड्रोन शॉट ब्रदर्स एंड माय इंस्टा फैमिली, जाके रील्स देख सकते हैं आप मेरी, बहुत मस्त मस्त रील्स और शॉर्ट्स आए हैं। और अभी ड्रोन शॉट देखिए और फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि ये ना भाई 14th सेंचुरी से है ये ब्रिज, और जिन्होंने बनाया ना उनका मैं स्क्रीनशॉट देके लगा देता हूँ भाई स्क्रीनशॉट पर, उनका नाम है, नाम पूरा बड़ा है, थोड़ा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है मुझे, मतलब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा इतनी जल्दी, तो वो कुछ है। तो ये है अपना चकसम ब्रिज, तो चलो वापस चलते अपने दूसरी शॉर्ट पे। ओए होए 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 होए, मैं तो गिर गया, स्लिपरी हो गया है ये, और इसके ऊपर से जाती है तवांग रिवर, नीचे से जाती है, ऊपर से कह रहा हूँ, और इस ब्रिज के नीचे जाती है तवांग रिवर, जिसका फ्लो बहुत तेज है भाई, यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है। तो चलो ड्रोन शॉट के लिए रेडी, 3, 2, 1 गो। तो मैं था चकसम ब्रिज पे, और भाई यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो अब देश में कोई बहुत कम बचे हुए हैं, बट इन्हें बड़ा मेंटेन करके रखा गया, लोग आते हैं इतनी दूर से इन्हें देखने के लिए। चकसम ब्रिज शायद आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट इसे आइए देखिए, और यहाँ बस इस पे आने के बाद ना जो फील है वो अलग लेवल है। तो भाई मैंने मज़ा किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे एक शांति, और यहाँ की जो तवांग रिवर है वो इसके नीचे से जब जाती है ना, इसको पानी का शोर नेक्स्ट लेवल होता है यार। तो चलो आज भी यहाँ से निकलते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं मनस्ट्री की तरफ। बहुत अच्छा लगा मेरी तरफ से तवांग में आके, चकसम ब्रिज के लिए थम्स अप है, रिस्पेक्ट है, एंड तवांग के लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच गाइस। इन्होंने बनाया था भाई ये चकसम ब्रिज, राइट भाई? तो इन्होंने 1385 से 1464 तक चला भाई इसका कंस्ट्रक्शन, जब जाके ब्रिज तैयार हुआ। तो हमारा हो गया चलने का टाइम, और देखो भैया पहले चल रहे, केदारनाथ वाला कुछ खा लिया क्या? हाय हाय। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि चढ़ाई है, थोड़ा ट्रैक है,
5 मिनट का ट्रैक है और कुछ नहीं, बट ये ब्यूटीफुल है यार, सच में यार बहुत ब्यूटीफुल है। सब अपने बाइक के खुल गए हैं चाबी पाने, क्योंकि कल हमारी बाइक का ये शीशा थोड़ा सा ना तेज हवा की वजह से ढीला हो गया था, तो तेज़ हवाएं चल रही थी मनांग गेट पे, और तेज़ हवाओं के चक्कर में मैं भी कई बार तेज़ हवा के चक्कर में फ्लो फ्लो हो गया था। तो ये 5 मिनट का था भैया ट्रैक, 5 मिनट के ट्रैक में भैया की सांसें नहीं फूली, हमारी फूली। पता नहीं क्या खा के चलते ट्रैक के चक्कर में दौड़ के, हमें पागल बनाते, कुछ नहीं अरे थक जाएंगे हो जाएंगे। हाय सो गाइस, चल पड़े हैं हम चीचम ब्रिज कह रहा हूँ, चिकजम ब्रिज से, जो तवांग रिवर के ऊपर है, और ये देखो रिवर नीचे है, और ये वो जंगल हैं, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यार, क्या बात। चलो ठीक है, स्कूल नहीं गए? हाँ, और वेकेशन चल रहा है अभी, वो कौन सी क्लास में हो? ओ वो ग्रेट यार, सो अभी क्या चल रहा है, क्रिकेट? हाय हाय, क्या क्यूट बच्चा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लड़के के वेकेशन चल रहे हैं, हमारे ट्रैवल चल रहा है, और यहाँ पे खेती चल रही है। राइट, टेक केयर बड़ी, बाय बाय। ये बंदर मामा बैठे हो, बंदर मामा ये देखो, इसका मतलब और भी हैं, हमला कहीं से भी हो सकता ठाकुर भगले। सब बच्चे आए हैं हायाबुसा देखने, कैसी लगी, अच्छी है? वो ये JS फिल्म्स ओके सारा, तो भाई दोस्तों बारिश का हो गया क्या मौसम के साथ बारिश भी हो गई थी, देख रहे हैं। तो पहले ही हमने सोचा कि रेन कवर पहन लेना चाहिए, तो पहन लिए गए हैं लाइक दिस, मेरा भी ग्रीन है कहीं, बट ठीक है यार, सेफ्टी फर्स्ट। मुझे GoPro की ज़्यादा टेंशन रहती है, रिकॉर्ड भी करना है और भाई डर भी लगता है, और कुछ नहीं। तो भाई हमने पहन लिए थे रेन कोट, और बारिश होगी बंद, अब मैं ना उतार रहा, अब मैं जब चलूँगा जब बारिश शुरू हो जाएगी, बस जब बारिश आएगी मैं तभी चलूँगा, भीगना है मेरे को, बस ख़त्म। चलो जा रहा हूँ, टी शर्ट आउट है।